पब्लिक टीवी आपकी आवाज। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर जिला महानगर ने संयुक्त रूप से समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक पूर्व भारत के रक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 83वां जन्मदिन केक काटकर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष डीपी यादव ने जन्मदिन के उपलक्ष्य में कहा कि नेताजी समाजवादी विचारधारा को लेकर हमेशा दलित किसान पिछड़ों को लेकर चिंतित रहे। जब तक नेताजी की सरकार बनी तब तक हमेशा सर्व समाज का सम्मान किया गया और मिला भी। नेताजी के जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी गयी। गोष्ठी का संचालन जिला महासचिव मुदस्सिर खान ने किया। कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष शानी अली शानुक, सांसद एसटी हसन, विधायक हाजी इकराम कुरैशी, हाजी रिजवान, पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी, विधायक मोहम्मद फहीम, गोल्डी शर्मा के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उस बयान के साथ खड़े हैं जिसमें बोर्ड ने सिविल कोड की मुखालफत की है। सपा सांसद का कहना है कि हिंदुस्तान का संविधान ये इजाजत नहीं देता है कि आप किसी के पर्सनल लॉ को खत्म कर सकें। किसी भी कानून में बदलाव हो सकता है लेकिन पर्सनल लॉ कोई भी इसे खत्म नहीं कर सकता, ये कानून के खिलाफ है। वहीं पिछले कई दिनों से सीएए और एनआरसी कानून को लेकर चल रही राजनीति पर पूछे गए सवाल पर सपा सांसद ने कहा कि इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है, सीएए एनआरसी लागू किया जाएगा तो मुसलमान टारगेट किए जाएंगे, इसलिए मुसलमानों में बड़ी बेचैनी है और फिक्र है। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि इन्हें रद्द कर दिया जाए। देखिए, किसानों को मुबारकबाद, बधाइयां कि उन्होंने एक अहंकार तोड़ा है इस सरकार का और अपनी मांगें मनवाई हैं। बाकी जो 6 पॉइंट्स उनके हैं वो भी बहुत जायज़ और जेन्युइन हैं, उन पॉइंट्स पे भी सरकार गौर करे और उनको भी पूरा करे। दूसरे पर्सनल लॉ बोर्ड का एक रिएक्शन आया है सिविल कोड को लेकर के, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई नियम लागू नहीं करेंगे, ऐसा ना हमने नहीं देंगे, किस तरह देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि पर्सनल लॉस को ख़त्म कर दिया जाए। या तो आप डेमोक्रेसी ख़त्म कर दो, प्रजातंत्र ख़त्म कर दो, जो जी चाहे कर लो। हिंदुस्तान के कानून ने इस बात की इजाज़त दी है कि हर मजहब के मानने वाले अपने हिसाब से उसे फॉलो करें, उनके कानून चलें। वक्तन फवक्तन उसमें तरमीमें हुई हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन पर्सनल लॉज किसी भी मजहब के खारिज नहीं किए जा सकते, ये कानून के खिलाफ है। सीएनआरसी को लेकर फिर से मांग उठने लगी, अगर लागू हुआ तो शाहीन बाग वाले इस तरह से शुरू हो जाएंगे, किस तरह? यकीनी तौर पे, क्योंकि इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है। सीए और एनआरसी लागू होगा, मुसलमान टारगेट किए जाएंगे, इसलिए मुसलमानों में बड़ी बेचैनी है और बहुत बहुत फिक्र है। सीए एनआरसी के लिए भी हम ये सरकार से डिमांड करते हैं और करेंगे कि इन कानूनों को भी रद्द कर दिया जाए या इनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। एक 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 आखिरी रिएक्शन है, जो किसान हैं उनका कहना यह है कि जिस तरह से अभी ये कानून वापस लिया 3 कृषि कानून, इसी तरह से हम लोग बैठे रहेंगे और जब तक सीएनआरसी को लेकर की बातचीत नहीं होगी, इस पर हम आगे रिएक्शन दे रहे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सीएनआरसी के लिए भी ये बात कही है, अगर कही है तो हम उनके शुक्रगुजार हैं और उनके साथ हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।